अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हमने वेब डेवलपमेंट को कंक्लूड करते हुए डिजिटल मार्केटिंग को स्टार्ट करना था। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कई स्किल सेट्स आप उनको प्रैक्टिस करते हो, उनको गो थ्रू करते हो। आज हम इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे और ब्रीफ ओवरव्यू लेने के बाद समझेंगे ये इंडस्ट्री में इसकी पावर क्या है और इसके अलावा इसकी ओवरऑल सिग्निफिकेंस को देखते हुए इनको हम बेसिक स्किल सेट्स को डिवाइड करते हुए समझने की कोशिश करेंगे। अब डिजिटल मार्केटिंग जो है इसको अगर हम बेसिकली समझें तो आप यूँ समझ सकते हैं कि किसी चीज़ को ऑनलाइन आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू मार्केट कर रहे हो और वो प्लेटफॉर्म वेदर इट्स योर ओन वेबसाइट, इट्स ओन मीडिया और पेड मीडिया, वेदर इट्स लाइक फेसबुक, गूगल, कुछ भी हो सकता है। अगर आप किसी चीज़ की ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो तो वो डिजिटल मार्केटिंग में इंक्लूड होगा। यहाँ तक बात ओके हम सब दोस्तों को समझ में आ रही है? जी सर। बेहतरीन हो गया। सर जी, इसके क्वेश्चन था? सर ओके ओके गुड। अच्छा, तो डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम सिग्निफिकेंस देखें और उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ देखने के समझने की कोशिश करें कि चीज़ क्या है, उसको हम कैसे डील करते हैं, तो इसके लिए हम कुछ जी चीज़ों को सर ले सकते हैं। मुझे बताइए जब हम स्क्रीन देख सकें। तो एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप दोस्तों को? अच्छा, नो सर, अभी आ रही है। डिजिटल यस सर, आगे। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एक कोट है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है ना एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर तमाम आपकी कंपनी की जो ऑनलाइन मार्केटिंग एफर्ट्स है ना वो आती हैं। ये जुमला आपको दिखाई दे रहा है? जी सर ये फेमस कोट है इस बंदे का। तो इस कोट का अगर हम उर्दू का लघवी मानी समझे तो ये कहना चाह रहा है कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए आप जो भी ऑनलाइन मार्केटिंग एफर्ट करते हो ना डिजिटल मार्केटिंग में आ जाती है। जी इसके फ़ायदे क्या हैं कि आप अपनी मार्केटिंग को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो होती थी, फॉर एग्जांपल अगर आपने न्यूज़पेपर में ऐड लगाई है तो आप टारगेट नहीं कर सकते कौन आपकी ऐड देखेगा, और बड़े भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, औरतें भी मर्द भी। बट इसके अंदर आप टारगेट कर सकते हो कि भजन लाहौर के अंदर, इस इलाके के अंदर सिर्फ सिर्फ वो लोग देखें जो 40 साल से ऊपर हैं, तो आप मैंने इतनी ज़्यादा टारगेटिंग कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है मिस आपके? यस सर गुड। आप अपने मैसेज को टेलर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस। टेलर करने से मुराद है कि जिस बंदे को जो सा मैसेज दिखाना वो मैसेज दिखा सकते हो। इंटरेक्टिव कैपेबिलिटी है, किसी ने कोई सवाल पूछना कि भैया ये मोबाइल कितने का है या ये जो आप कपड़े बेचो ये कितने का, तो आपसे पूछ सकते हो, आप उसका जवाब दे सकते हो। इन्फॉर्मेशन की एक्सेस ज़्यादा है, सेल्स की पोटेंशियल ज़्यादा है, क्रिएटिविटी ज़्यादा है, एक्सपोजर ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है। तो तमाम चीज़ें इसके एडवांटेज में आती है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें क्लटिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग ऐड लगा रहे हैं, इसमें डिसेप्शन का यहाँ पे स्कैम के चांसेस हैं और प्राइवेसी कम है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जी सर अब अगर इसको हम देखें डिजिटल, इसका फ्रेमवर्क क्या है, तो आप इसको यूँ देख सकते हैं कि आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, आपके न्यू कस्टमर कहाँ से आ रहे हैं, करंट कस्टमर्स कहाँ पे हैं, नए और पक्के कस्टमर्स कहाँ पे हैं, आपने ऐड कैसे बनानी है, ऐड को आगे पहुँचाना कैसे है, पेड मीडिया के थ्रू पहुँचाना है, ओन मीडिया के थ्रू पहुँचाना है, मीडिया, ये सारी बातें जिनको आप डील करते हो इसके ऊपर काम करते हो। यहाँ तक हम दोस्तों बात समझ में आ रही है? जी सर गुड, हो गया। अच्छा, अब डिजिटल एडवाइजिंग जो होती है उसे भी ऑनलाइन मार्केटिंग या इंटरनेट एडवाइजिंग कहते हैं, जो कि एक फॉर्म में एडवर्टाइजिंग है जिसके अंदर आप इंटरनेट के ऊपर डिलीवर करते हो कंटेंट को। अब ज़रा इसके ऊपर हम कुछ नंबर्स को देखते हैं। अगर हम ये अमेरिका के नंबर्स को देखें तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के अंदर जो डिजिटल स्पेंड था ना 2019 के अंदर, वो था 129.34 बिलियन US डॉलर, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है, और इट इज़ जी सर मोर देन ऑल ऑफ दिस कंबाइंड, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, आउट ऑफ होम, डायरेक्टिजन, सबको कंबाइन कर दो, उससे ज़्यादा डिजिटल मीडिया की स्पेंडिंग थी। इससे आपको आइडिया जाएगा कितनी बड़ी चीज़ है ये। जी सर गुड हो गया, गुड हो गया।
एक सेकंड, कोई अस्सलाम वालेकुम। I'll check. अच्छा, लेट मी नो व्हेन यू कैन सी माय स्क्रीन। जी सर, नजर आ रही स्क्रीन। ओके गुड। तो अभी तो हम डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक डेफिनेशन को समझ रहे थे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है। अब इसके कुछ चैनल्स हैं, उनको हम गो थ्रू करते हैं वन बाय वन और समझते हैं कि एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। जी सर, पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द राइट साइड, कंटेंट क्रिएशन से। जब भी आप अपने किसी भी चैनल के ऊपर कोई कंटेंट लगाते हो, चाहे आपने खुद से फ़ोटो बनाई है, वीडियो बनाई है, टेक्स्ट बनाया है, कुछ लिखा है, कुछ बनाया है, तो वो आके कंटेंट क्रिएशन में आ जाता है। उसके लिए जी सर, आप डिफरेंट टूल्स को यूटिलाइज़ करते हो, जैसे कि फ़ोटो एडिटिंग टूल्स होते हैं जिनमें कैनवा, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह है। वीडियो एडिटिंग टूल्स होते हैं जैसे कि फिल्मोरा, कैपकट या एडोब प्रीमियर प्रो, या फिर कंटेंट राइटिंग टूल्स हो सकते हैं जैसे कि सिंपल वो चैट जीपीटी को भी आप ले सकते हो, या फिर वर्ड को ले सकते हो, या किसी भी कंटेंट राइटिंग टूल को। तो ये हो गए ऐसे काम जिसके ज़रिए आप कंटेंट बनाते हो। अब मैंने बहुत अच्छा एक कंटेंट बना लिया, मैंने एक बहुत अच्छी फ़ोटो, बैनर, समथिंग अलोंग दोज लाइंस बना लिया। अब उसको प्रमोट कैसे करना है, उसको फैलाना कैसे है, अब उस चीज़ पे आते हैं। नॉर्मली जो सबसे कॉमन और इजी तरीका होता है उसके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी कि SMM। SMM के अंदर होता यह है कि सोशल मीडिया चैनल्स होती हैं जिसके ऊपर आप अपने प्रोफाइल बनाते हो, उस प्रोफाइल को बनाने के बाद उसको फिर अपने कंटेंट को उसके ऊपर प्रमोट करती हो। जैसा कि लेट से कि मेरा एक पेज है सूफी डिजिटल के नाम से, जिसके ऊपर मैं अपनी कंपनी के बारे में पोस्ट लगाता हूँ, उस पोस्ट को फिर मैं वहाँ पे प्रमोट करता हूँ या उनको आगे शेयर करता हूँ अपने दोस्तों के साथ, ताकि उस चीज़ के बिकने चांसेस बढ़ जाएँ। जी सर, ये हो गया सोशल मीडिया मार्केटिंग। यहाँ तो बात समझ में आ रही है हम सब दोस्तों को? जी सर, यस यस सर, गुड, हो गया, गुड हो गया। आफ्टर सोशल मीडिया मार्केटिंग कम्स इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया के अंदर कई लोग जो है ना, वो ज़्यादा उस पर भाग रखते हैं बाकी दूसरे लोगों के इस पर। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स टेक डकी भाई फॉर एग्जाम्पल। अब अगर मैं अपना एक कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, जैसे कि एयरपोर्ट्स हैं, यहाँ पे स्मार्ट वॉचेज हैं, और मेरे पास अभी पेज पे कोई फॉलोइंग नहीं है, डकी भाई के पास अराउंड 10 करोड़ पीपल हैं लेट्स से फॉर एग्जाम्पल। तो वट आई विल डू इज़ आई विल गिव हिम अ फ्री प्रोडक्ट प्लेसमेंट फॉर प्लेसमेंट, एंड वो उस प्रोडक्ट को लेगा, उस प्रोडक्ट की प्रमोशन करेगा, एंड वेन ही प्रमोट्स दैट प्रोडक्ट टू हिज ऑडियंस ऑफ 10 करोड़, तो मेरा प्रोडक्ट अपने आप उन लोगों की वजह से सेल होने लग जाएगा। लोग कहेंगे यार ये जी बंदा इसको प्रमोट करे तो देर मस्ट भी समथिंग बिहाइंड इट। और फिर वो सब लोग, जब उनमें सब लोग ना भी करें तो जब मेजोरिटी उनमें से लोग ऑर्डर करेंगे तो मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होने लग जाएगा। तो ये एक अपने सर, इन्फ्लुएंसर प्लेसमेंट के थ्रू मार्केटिंग की है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी हमें थोड़ा आइडिया हो गया। यस सर, थैंक यू। अच्छा, आफ्टर दिस कम्स SEO। नाउ SEO इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर चैनल्स। हाउ इज़ दैट? कि ये आप अपनी वेबसाइट पे करते हो और फॉर गूगल करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप गूगल पे जाके लिखें, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, लेट मी नो इफ यू कैन सी माई स्क्रीन। ये मैं गया google.com पे। जी सर, गूगल दिखाई दे रहा है आप सब दोस्तों को? जी सर, यस ओके, तो मैं गूगल पे गया, गूगल पे जाके मैंने लिखा सूफी डिजिटल। अब ये सूफी डिजिटल लिखने के ऊपर ये मुझे सबसे पहले नंबर पे सूफी डिजिटल की वेबसाइट आ गई है। अब इसकी जगह अगर मेरा कोई कंपेटिटर की वेबसाइट आ जाती जो सेम इसी नाम पे काम कर रहा था, तो मेरे नुकसान दे होता। ऐसी है, सर, सही हो गया। यस सर, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सूफी डिजिटल छोड़ो, हम इधर लिखते हैं बेस्ट लॉयर इन लाहौर। जब मैंने बेस्ट लॉयर इन लाहौर लिखा है तो पहले नंबर पे जो वेबसाइट आई है वो लॉ जोना की आई है, फिर 24 जस्टिस की आई है, फिर एडवोकेट इन लाहौर की आई है, फिर बेस्ट प्रॉपर्टी लॉयर की इन लाहौर में। अब ये वेबसाइट ऊपर क्यों आ रही है? इनकी नस्बत
ईराना आजाद की वेबसाइट की नस्बत कोई और वेबसाइट क्यों नहीं आ रही है इसकी जगह? लेट से कि मेरी सूफी वाली वेबसाइट ऊपर क्यों नहीं आ रही है? गूगल कैसे जज कर रहा है कि भाई ये वेबसाइट अच्छी है इस कीवर्ड के लिए या ये वेबसाइट अच्छी है इस कीवर्ड के लिए? इस सवाल का आप मुझसे कोई बच्चा आंसर कर सकता है? सर ये सर्च इंजन कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन अच्छी की है ना, मतलब जो बिल्कुल कीवर्ड हम बिल्कुल सर्च करते हैं बेस, बेस में, बेस्ट मैच में यही आ रहे होते हैं, उन्होंने कीवर्ड जैसे लगाए होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आपने सही बताया। तो एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है ना वो कीवर्ड्स के ऊपर हाईली डिपेंडेंट होती है। आप अपने जी पेज सर, पे कोई कीवर्ड कहाँ पे लगाते हो, कितनी दफ़ा लगाते हो, कैसे लगाते हो, उसका ऑल्टरनेटिव लगाते हो कि नहीं लगाते हो, दूसरी वेबसाइट्स उस कीवर्ड के लिए आपकी तारीफ करती हैं कि नहीं करती हैं और कैसे तारीफ करती हैं, ये सारे फैक्टर्स मिलके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का हिस्सा बनते हैं जो कि गूगल जी को सर, बताते हैं कि भैया ये वेबसाइट इस कीवर्ड के लिए बेस्ट है। तो अगर आपने बेस्ट लॉयर इन लाहौर देखना है तो आपको इस वाले 24 जस्टिस के पास आना चाहिए क्योंकि इसके पास सारे फैक्टर्स पूरे हो रहे हैं। उम्मीद जी है सर, ये जी बात हम सब दोस्तों को समझ में आ रही होगी। परफेक्ट सर, परफेक्ट। तो आफ्टर एसईओ कम्स पीपीसी या सर्च इंजन मार्केटिंग। पीपीसी स्टैंड फॉर पे पर क्लिक। अब आपने फॉर एग्जाम्पल आपने ये सब कुछ किया हुआ है बट फिर भी आपके पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं या फिर आप अभी बहुत नीचे हो इसमें आपको टाइम लगेगा, तो फिर गूगल आपको एक ट्रिक देता है या चीट कोड देता है जिसके ज़रिए आप उन ट्रैफिक को भी ले सकते हो जो कि लोग ऊपर ऊपर से जा रहे हैं। मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ कैसे। लेट्स गो फॉर अगेन लॉयर, बेस्ट लॉयर बट नाउ गो इन टू न्यूयॉर्क। अच्छा अब आप दोस्तों को ये स्पॉन्सर का टैग दिखाई दे रहा है दिस गाय जी हियर सर, जी। तो अब हुआ ये है कि गूगल से इन लोगों ने मैंने गूगल को पैसे दिए हैं कि भैया ये लो माँ में से 5 पे ले लो, जब भी कोई बंदा मेरी ऐड देखेगा ना तो आप 5 पे ले लेगा करना मेरे अकाउंट से, बट मेरी वेबसाइट ऊपर दिखाओ दूसरे दुश्मनों के नस्बत। एग्जाम्पल तो होगा ये कि गूगल जब भी कोई बंदा सर्च करेगा ना बेस्ट लॉयर इन न्यूयॉर्क को तो ये सोबो एंड सोबो की वेबसाइट ऊपर दिखाएगा और जी उसके सर, बदले में सोबो एंड सोबो का जो गूगल ऐड अकाउंट है उसे पैसे चार्ज कर लिया करेगा। जी सर, यहाँ से बात सब सब दोस्तों समझ में आ रही है? जी सर, यस सर। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो दिस इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द डिजिटल मार्केटिंग स्किल सेट। कंटेंट क्रिएशन की भी हमने बात कर ली, SMM की बात कर ली, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, SEO की, PPC की। बेसिक ये स्किल्स हैं जो कि हमने आफ्टर द ब्रेक सीखनी है। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नो सर, क्लियर है। ओके गुड। चलिए अब कुछ काउंटर क्वेश्चनिंग करता हूँ मैं, एक मिनट दे मुझे आप। सर जी जी मिस, SEO के बारे में थोड़ा सा दोबारा से गाइड कीजिएगा। जी जी मिस, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, एक मिनट दीजिए मुझे। ओके तो मिस SEO जो है ना उसकी फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन क्या होता है आपको इसका आइडिया क्या होता है सर्च इंजन? मिस अगर आइडिया है तो बता दें, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। क्या जाके उन्हें चुप कर वो? अस्सलाम वालेकुम सना, दोबारा बंद कर। जी अम्मी आवाज़ आ रही है सर आपको? सर, अच्छा मिस मैं बता रहा था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है ना या SEO की वो हम इस तरह समझ सकते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है ना उसमें आप किसी भी सर्च इंजन के लिए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हो, वेदर इट्स ओके गूगल दाज अमेजोन, वो डिपेंड करता है आप किसी भी सर्च इंजन में चले जाओ उसके लिए जब अपनी जी वेबसाइट को बेहतर करते हो ना तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है। ये ओके बेसिक उसकी अंडरस्टैंडिंग है। सर्च ओके इंजन क्या होता है? जिसके बाद सर्च करते हो जाके, जिस तरह कि फॉर जी एग्जांपल मैं यूट्यूब पे जाके सर्च करता हूँ, मैं गूगल पे जाके सर्च करता हूँ, मैं जी दराज पे जाके सर्च करता हूँ, मैं अमेजोन पे जाके सर्च करता हूँ, तो इन चारों के पैसियों की कुछ हद तक काम करते हो बट उनका काम करने का जी तरीका डिफरेंट होगा। अभी हम इधर जिस SEO की बात कर रहे हैं वो वेबसाइट से रिलेटेड है, गूगल से रिलेटेड है कि गूगल के ऊपर जी हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर कैसे दिखाना है। जी यहाँ तक बात समझ आ रही है मिस आपके? गुड हो सर गया। तो अगर हम गूगल को दिखाना चाह रहे हैं कि भैया मेरी वेबसाइट को आप जब भी कोई बंदा सर्च करे बेस्ट लॉयर इन लाहौर
तो मैं ये वेबसाइट के ऊपर लेके जाऊँ, तो हम गूगल को जी कैसे बता सकते हैं? उसका ये तरीका होगा, मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जगह जगह पे जुमला यूज़ करूँगा डिफरेंट तरीक़ों से, हो उसके ऊपर मैं अच्छा आर्टिकल लिखूँगा कि हम बेहतर क्यों हैं दूसरों की निस्बत। मैं ये करूँगा कि जो इर्द गिर्द की वेबसाइट से उन्हें कहूँगा भाई मेरी वेबसाइट पे आपने वोट डालना है कि मेरी वेबसाइट ऊपर आए। ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे कि वोट डालना क्या है, इंशाल्लाह। और ऑफ पेज ऑन पेज टेक्निकल एसईओ, ये सारी चीज़ें हम आगे आने दिनों में पढ़ेंगे अगर टाइम मिला इंशा ताला। इंशाल्लाह यहाँ तक किसी भाई को कोई क्वेश्चन कोई इश्यू है तो काइंडली पूछ लें। खटक साहब क्लियर है? सर। चलिए सर ये सर। एसईओ के बाद क्या है, पीपीसी और एसईएम? जी, मैं इसमें आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। क्या आप मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप दोस्तों को? गुड। यस सर। अच्छा, अब गूगल पे जाके जब मैंने बेस्ट लॉयर इन न्यूयॉर्क किया ना, तो दो किस्म के रिजल्ट आ रहे हैं। एक तो रिजल्ट आ रहे हैं जिनके पास स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, और एक रिजल्ट है जिसके पास स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ, जो वैसे ही आ रहे हैं, जैसे कि ये हो गया ये हो सर गया। अब मिस, इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये आपको कोई मुझे आइडिया दे सकता है क्या फ़र्क है दोनों में? जिन पे स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है उन्होंने गूगल को एडवर्टाइजमेंट के लिए ना वो फिक्स किया हुआ है जी, कि पैसे जब वो दिए हुए हैं। एडवर्टाइज जी वो पैसे देते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया मिस। तो बेसिकली पीपीसी या एसईएम और एसईएम में यही फ़र्क है। सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर आप गूगल को पे करते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखाने के लिए, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर पे नहीं करते, वो खुद ब खुद ऊपर आ रहा होता है। तो बेसिक डिफरेंस ये है दोनों में, एक पेइंग है सर एक नॉन पेइंग है, एक शॉर्ट टर्म है एक लॉन्ग टर्म है। एक में ज़्यादा आप पैसे दे दें वो ऊपर आओगे, एक में जब आप पैसे नहीं दे रहे तब भी आप ऊपर आ सकते हो। जी ठीक है मिस। सर यहाँ तक कोई क्वेश्चन कोई इशू? नो सर गुड। इजाज़ भाई आपको आवाज़ आ रही है? जी मोहसिन भाई सब क्लियर है। चलें गुड हो गया। चलिए अब थोड़े से काउंटर क्वेश्चन मैं करूँगा। काइंडली अगर आपको आइडिया है तो ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं आइडिया तो कोई मसला नहीं है, हम बस इसको एक बार क्लियर करना चाह रहे हैं टॉपिक को, फिर हम आगे चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद मिस नबीहा। मिस नबीहा बताएं कंटेंट क्रिएशन क्या है? मिस नबीहा सर कंटेंट क्रिएशन वो होती है जो हम कंटेंट सोचते हैं और फिर हमने अपनी मतलब कोई वीडियोस वगैरह या फिर जैसे हमने कोई अपनी वेबसाइट बनानी है तो उसको क्रिएट करने के लिए कंटेंट क्रिएट एक कंटेंट क्रिएटर होता है ना। जी, सही है। कंटेंट कंटेंट की तीन टाइप्स होती हैं, फोटो वीडियो एंड टेक्स्ट। हाँ जी तो इन तीनों फॉर्म्स में जब भी आप कंटेंट को क्रिएट करते हैं तो कंटेंट क्रिएशन निकलेगा। गुड आंसर मिस तबिया। आगे चलते हैं। मिस चंदा काइंडली आप बता सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है? सोशल मीडिया मार्केटिंग वो होती है हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाके अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कोई भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि किसी भी तरीके से जैसे कंटेंट क्रिएशन के थ्रू भी हो सकती है, या जी हमारा कहीं इंस्टाग्राम पे पेज है तो हम पोस्ट कर देंगे वहाँ पे। गुड गुड। और वो आप सोशल मीडिया पे एड्स भी लगा सकते हो। वेरी गुड आंसर मिस। आगे चलते हैं। वेरी गुड आंसर चंदा। अच्छा खटक साहब, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है? सर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये थी कि हम किसी इन्फ्लुएंसर को कुछ दे के उनसे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवाए, जैसे किसी यूट्यूबर को या किसी एक्टर को हम प्रोडक्ट दे देते जी हैं जी और वो अपने ऑडियंस के आगे वो उसकी बयान कर लेता है, बड़ाई बयान कर लेता है, वो खुद यूज़ कर लेता है वेरी गुड तो उस वजह से हमारे प्रोडक्ट पे व्यूज़ भी आते हैं और हमारा प्रोडक्ट सेल करना शुरू हो जाता है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। मैं आपके आंसर में एक और चीज़ ऐड करूँगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर आप प्रमोशन ले रहे होते हैं कि मैं आपको प्रोडक्ट दूंगा, प्रोडक्ट यूज़ करो और दे दो, ये माइक्रो इन्फ्लुएंसर के चल जाएगा। बट जब मैक्रो इन्फ्लुएंसर होता है तो आपको उसके साथ पैसे भी देने पड़ते हैं, तो फिर डील आपको खुद निगोशिएट करनी पड़ेगी, और फिर हम आगे देखेंगे कैसे किया जाती है चीज़ें। ठीक हो गया, ठीक गुड हो गया। अच्छा इजाज़ भाई एसईओ क्या होता है?
मोहसिन भाई, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसको डिफाइन कहते हैं आप? मतलब कोई भी चीज़ हम जो सर्च करते हैं किसी भी जी हेलो जी, आप बताएं मुझे, सुनाई दे रहे। किसी भी कंटेंट से रिलेटेड हम कोई भी चीज़ जो सर्च करते हैं उसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। सही हो गया, सही हो गया। तो जब हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं, लेट से कि डेंटिस्ट इन लाहौर, तो डेंटिस्ट इन लाहौर हमारा कीवर्ड हो गया, तो इसमें सर्च जी इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला कौन सा फैक्टर है, ये आप क्लियर कर इसमें सकते हैं? डेंटल अच्छा खटक साहब, आप ये दोबारा से डिफाइन करना चाहेंगे? जी सर, सर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में थे कि हमारी एक वेबसाइट है और हम उसको ऑप्टिमाइज करें इतना अच्छे तरीके से, कोई सर्च इंजन पे जाके उससे रिलेटेड कोई चीज़ सर्च करे तो हमारी वेबसाइट सबसे टॉप पे आ जाए, जी मतलब फर्स्ट परफेक्ट, प्रायोरिटी हम एक्सेसिबल हो जाए। बेस्ट, बेहतरीन लगा जी खड़क साहब, मैं यही सुनना चाह रहा था, गुड आंसर। इजाज़ भाई, दोनों तारीफों में ज़्यादा फ़र्क समझिएगा, हम बेसिकली जी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में करते ही हैं कि हम अपनी वेबसाइट को ऊपर लाना चाहते हैं गूगल के ऊपर। अब आप ये समझें कि ये एक मैप है, ठीक है, ये एक प्लाट है, या ये दुकानें हैं, तो जो सी दुकान आगे होगी ना उससे ज़्यादा चीज़ें बिकती हैं, जो दुकान नीचे चलती जाएगी उससे चीज़ कम बिकेगी, ऐसे ही है ना हजरत? जी सर जी ठीक है तो हम चाहते हैं हम इस वाली जगह पे हमारी दुकान आया करें, और अपनी दुकान को यहाँ पे लाने के लिए ये लाजमी है कि हम गूगल को बताएं कि हमारी दुकान सबसे बेस्ट है इस कीवर्ड के लिए। जी ठीक हो गया हजरत? सर यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर गुड हो गया, गुड हो गया। ओके चले, लास्ट क्वेश्चन है आज का, आज के टॉपिक का, पीपीसी क्या है? इजाज़ भाई, जी मोहसिन भाई, इसका नहीं मुझे अभी तक नॉलेज। कोई कोई मसला नहीं, कोई सर मसला नहीं है। खटक साहब आप बता दें काइंडली। पेपर क्लिक, जी, सर मतलब हम अपनी चीज को जब हम एडवर्टाइज करते हैं या उसको करते हैं तो क्लिक्स के हिसाब से हम वो पे करते हैं, जिधर जिसकी वेबसाइट पे या जिस जगह पे हमने उसको किया हुआ है, लगाया हुआ है अपना एड, तो पे पर क्लिक हमें पे करना पड़ता है, जी जिस पर जितने भी क्लिक्स आते हैं हमारे प्रोडक्ट पे या हमारे जो भी हमने एडवर्टाइजमेंट लगाई है। जी, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच। तो अब हमने बेसिक डेफिनेशन सब की समझ ली है, हमें समझ में आ गया डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है, हमें समझ में आ गया कि पीपीसी, एसईओ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन क्या चीज़ें हैं। यहाँ तक किसी दोस्त को कोई क्वेश्चन तो नहीं है उम्मीद है? किसी दोस्त को कोई क्वेश्चन है? नो सर चलें परफेक्ट। अच्छा हजरत, अब ना दो काम है, एक तो आप दोस्तों ने कल परसों तक जो आप लोगों को मैंने प्रोजेक्ट दिया है वेबसाइट डेवलपमेंट का, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है ताकि इंशाल्लाह हम सर आगे चल सकें। दूसरा काम हम ये कहते हैं कि हम ना लेट से कंटेंट क्रिएशन के ऊपर काम शुरू करते हैं आज से, एक छोटे सा जी सर कंटेंट क्रिएट करते हैं और समझते हैं कंटेंट क्रिएशन कैसे काम करती है चीज़। ठीक है जी सर चलें, ओके बेहतरीन हो सर गया। मुझे बताइएगा जब आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकें। जी सर ये जैम बोर्ड वाइट स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? परफेक्ट जी सर यस सर अच्छा, कंटेंट जो है ना अभी तक सिर्फ तीन सूरतों में बिकता है कंटेंट जो है, या तो वो हो सकता है टेक्स्ट होगा, जी सर या तो हो सकता है वो वीडियो होगा, या जी सर होगा वो ऑडियो, ठीक है, या इन तीनों का मिलाप से कुछ बनेगा। जी एग्जाम्पल सर देता हूँ पॉडकास्ट की, पॉडकास्ट जो है वो पहले से सिर्फ ऑडियो बेस्ड होता था, अब वो वीडियो बेस्ड हो गया है, जी सर पहले ऑडियो लोग होता फिर अब वीडियो लोग हो गया है। तो बेसिकली कंटेंट जो है ना सिर्फ तीन उसमें चीज़ें यूज़ होती हैं, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो। अगर आप इन तीन चीज़ों पे काबू कर लेते हो, इन तीन चीज़ों पे आप महारत हासिल कर लेते हो, तो आप जिस तरह का मर्जी चाहो कंटेंट बना सकते हो। जी सर यहाँ तक बात हम दोस्तों को समझ में आ रही है? यस सर बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। अभी हम टेक्स्ट कंटेंट को
वो मास्टर करने की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। इसके लिए हम दो टूल्स को भी पहले यूटिलाइज करना सीखेंगे जिनमें बार्ड गूगल आते हैं, मैंने जेमिनाई या फिर चैट ओपन एआई का टूल आता है एक चैट और। हाँ जीपीटी जी, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है दोस्तों को? गुड जी हो गया। अच्छा, अब चैट जीपीटी क्या है, कोई मुझे डिफाइन करके हम वैसे बता सकते क्या चीज़ है ये? जी सर सर ये ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो गुड गुड, हमें मतलब वो प्रिसाइज या मतलब आंसर करती है, लेकिन गूगल में जब हम कोई चीज़ सर्च करते तो वो हमें वेबसाइट्स के थ्रू आगे करते हैं, जो ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू हमसे वो रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन ये हमें डायरेक्ट आंसर कर लेता है, स्पेसिफिक मतलब बिल्कुल हमें डायरेक्ट बिल्कुल बिल्कुल चीज़ें। बिल्कुल। हमें वैसे बेसिकली एक लर्निंग मॉड्यूल है, ये लर्निंग जी मॉड्यूल सर से मुराद ये है कि इसने ना 2019 के अंदर या 2022 के अंदर कोई जितने भी वेबसाइट जो है ना सब वेबसाइट्स को स्टडी कर लिया है। अब जब भी मैं से कोई सवाल पूछता हूँ तो ये इसके पास जो इन्फॉर्मेशन या नॉलेज है ना उस नॉलेज को यूज़ करते हुए ये मेरे सवाल का आंसर करता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने ना अब एक यूट्यूब वीडियो बनानी है और यूट्यूब वीडियो बनाई है और मैं वीडियो अपलोड करने के लिए ना मुझे पता नहीं है कि मैं उसका टाइटल कैसे लिखूँ, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखूँ और उस पर कीवर्ड्स कैसे यूटिलाइज करूँ, तो मैं ऐसे कहूँगा मुझे बना के दे देगा। तो इंस्टेड कि वो मैं खुद से लिखता ये मुझे लिख के देगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं लिखता हूँ आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर यूट्यूब, इन दिस वीडियो आई ब्रीफली एक्सप्लेन्ड डिजिटल मार्केटिंग विद द हेल्प ऑफ माई स्टूडेंट्स, वी डिवाइडेड द मॉड्यूल्स इंटू कॉन्टेंट SMM, SEM, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कैन यू काइंडली राइट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर मी एंड एड कीवर्ड्स फॉर ग्रोथ। अभी मैंने इतनी लंबी लाइन लिखी है उसको समझाने के लिए कि भैया मुझे ना आप यूट्यूब टाइटल डिस्क्रिप्शन लिख के दो, और उसके बदले में सर मुझे इसने ये टाइटल लिख के दिया है, ये डिस्क्रिप्शन लिख के दिया है और ये इसने कीवर्ड्स लिख के दिए हैं, ऐसे ही है। जी सर अब मैं आपको एक खूब मज़े की सर चीज़ दिखाता हूँ, अब मैं इसे उर्दू में समझाने की कोशिश करता हूँ, ये मुझे वो भी लिख के दे देगा। यूट्यूब वीडियो के लिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख के दो वीडियो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में है। अब मैंने सिर्फ एक लाइन में से लिख के दिया है, वो उसके हिसाब से भी समझ गया है कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरह का टूल है? सर अगर यही चीज़ मैंने खुद लिखनी होती यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मुझे काफ़ी टाइम लगता, मुझे बहुत पहले ज़्यादा कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती, मुझे कीवर्ड रिसर्च करने के बाद देखना पड़ता कि कीवर्ड कौन से यूज़ करने हैं, टाइटल कैसे लिखूँगा, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखूँगा, उसने सारा काम मुझे एक सेकंड में करके दे दिया। तो एक कंटेंट क्रिएशन के लिए अच्छा टूल है, समझ में आ रहा है हमें ये टूल? जी सर परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, ये तो हो गया कि भैया हमने टाइटल डिस्क्रिप्शन, अब इसकी काबिलियत क्या क्या है, क्या क्या कर सकता है? तो आप टेक्स्ट के लिहाज से कोई भी काम है ना ऐसे करवा सकते हो, बस वो इलीगल या फहाश ना हो। मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से आई वांट टू किल समवन, कैन यू गिव मी टिप्स, देखते हैं मुझे क्या आंसर करता है। वो कहता है ये कंटेंट जो है भैया हमारी कंटेंट पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, अगर आपको लगता है गलती है तो फीडबैक दे दें। तो बेसिकली जब भी आप कोई गलती बात करोगे ना उसके साथ तो आपको उसका आंसर नहीं करेगा, बट अगर आप कोई भी टेक्निकल या लीगल बात करते हो लीगल जुमे में रहते हुए तो
तो वो आपको उसका आसान और अच्छा हल बताएगा। अब इसको हम चेंज करते हैं, अब मैं लिखता हूँ आई वॉन्ट टू मेक माई इंस्टाग्राम ग्रो, कैन यू गिव मी टिप्स फॉर इट? तो अगर मैं फॉर एग्जांपल एक डिजिटल मार्केटिंग का टीचर हूँ, मैंने बच्चों को सिखाना है कि इंस्टाग्राम कैसे ग्रो करते हैं, तो ये जो मुझे टिप्स दे रहे हैं, मैं यही टिप्स आगे बच्चों को पढ़ा के अच्छा बड़ा लेक्चर दे सकता हूँ। ये बात समझ में आ रही है हम दोस्तों को? जी सर, इसी यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया, हमने क्या क्या सीखा अभी तक ना? जी हमने सर, हमने देखा कि चैट ओपन एआई क्या है, इसकी काबिलियत क्या है, इसमें क्या जी चीज़ें जो आप नहीं कर सकते और क्या सर, चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक हो गया? जी सर, ओके, इसी तरह का एक और टूल है जिसका नाम है जेमिनाई, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। ये स्क्रीन दिखाई दे रही है आप दोस्तों को? जी सर, ओके, तो भैया ये भी सेम वही वही चीज़ है जो चैट जीपीटी है, बट ये रियल टाइम है। जो है ना अलग अलग है, चैट जीपीटी और रियल टाइम नहीं है। उसने एक कंटेंट एक टाइम तक रीड किया हुआ है 2019 तक लेट से, उसके बाद उसने पढ़ना जो सही मॉडल उसने पढ़ना छोड़ दिया था। ये मगर ये चूंकि गूगल का तो ये लगातार पढ़ ही जा रहा है, स्टडी कर रहा है, तो ये रियल टाइम मुझे आइडिया दे सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि अब मैंने ना वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीखनी है या मैंने सीखनी है जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट, तो मैं कहता हूँ आई वॉन्ट टू लर्न जावास्क्रिप्ट, कैन यू गिव मी वीडियो लेक्चर प्ले लिस्ट कह लेते हैं। अब अगर यही बात मैंने उसे कही होती तो वो मुझे ऐसा प्लेलिस्ट बना के नहीं दे सकता था जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए। मैं ये भी करके देख सकता हूँ, ये भी देख लेते हैं जल्दी से। ये मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप दोस्तों को? जी सर, तो मैंने इससे कहा चैट जीपीटी से कि मुझे ना लिस्ट बना के दो, उसने भी ना मुझे लिस्ट बना के दे दी है, बट ये लिंक क्लिकेबल नहीं है। ये आप लोग देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, आई डोंट नो। जी सर, लेकिन अच्छा, बट बोल हाँ वैसे ये जो नया मॉडल ना चैट जीपीटी का 4 वाला जो पेड जी है, सर, उसके अंदर वो आपको ये सारी चीज़ें दे सकता है, बट फ्री मॉडल में नहीं देता। जेमिनाई इस तरह का नहीं है, वो आपको फ्री में भी सारी चीज़ें दे देता है। आप नोटिस करेंगे कि सारी लिंक्स क्लिकेबल हैं। ये सारी लिंक्स क्लिक के बल है, मैं जिस भी लिंक को क्लिक करूंगा वो ओपन हो जाएगी। जी कुछ सर, आया है क्या है? तो हमें दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया क्या चीज़ है और इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। जी परफेक्ट सर, ये परफेक्ट, मिस नबी कह रही है, उनका ब्रेक ओवर हो गया, वो मैसेज किया मैंने, चले तो वो जाना चाह रहे हैं। चले परफेक्ट है। हम आज के लेक्चर को आज ही इधर कंक्लूड करते हैं। हमने आज के लेक्चर में डिजिटल मार्केटिंग को बेसिकली समझा है, इसकी डिफरेंट सेक्शंस को समझा है और कंटेंट जी क्रिएशन को सर, समझा है। अभी जी आगे के सर, लिए मैं ब्रेक लूँगा आप लोगों से, और हम इंशाल्लाह आफ्टर दिस मंथ ऑफ फेबरी में दोबारा मिलेंगे बाकी के मॉड्यूल्स को कंक्लूड करने के लिए। मीनवाइल आप सब दोस्तों से इल्तिमास है कि जो आपको वेबसाइट के मैंने प्रोजेक्ट दिए हुए हैं वो अच्छे से कंप्लीट करें, ताकि जब हम जी सर, क्लास को दोबारा कंटिन्यू करें तो हम किसी अच्छी जगह पे हों। ठीक हो गया? इंशाल्लाह, चलें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।